क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप व पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीवात्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जड़ के समान हो जाता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह समस्त संसार को एकमय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है वैसी ही व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुंह से लार और फैन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से तथा पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख पास और दंड को लिए नग्न शरीर दांतों को पीसते ऊपर को उठे केस वाले कोवे के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शास्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दोनों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोहवश अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे अपराधी व्यक्ति को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट तू शीघ्र चल तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं उसे यमदूत अपने पास में जकड़ कर मारते हैं और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोकों में सुख पूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते उस जीवात्मा को यह मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तपती रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से थक कर वह जीव गिर जाता है मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। भयानक यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। उस लोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है जिसमें यह आकलन होता है कि जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंधे जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है।
इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्धार के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग होते हैं और उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है। 3रा भाग यमदूत लेते हैं और 4था भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन और रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर प्राणी को अत्यधिक भूख लगती है और उसे 10वां पिंड खाने को दिया जाता है, जिसे ग्रहण करके प्राणी को तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ शुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटिप्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग, 8 दिन के पिंडदान से जांघे, 9वें दिन के पिंडदान से तालु व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहती है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्न, जल, वस्त्र, जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहां से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भी भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। मृत्यु के बाद जीवात्मा 1 हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ यानी के यम लोक के मार्ग पर चलाई जाती हैं। जो जीवात्मा पापी होती हैं, उनका मार्ग शीत, ताप, नुकीला, मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से परिपूर्ण होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता है। वही पापी प्रेत भूख और प्यास से पीड़ित होती है तथा यमदूत उसे अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत्योनी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पास से बंधी और हाँ हाँ करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन रात चलकर यमलोक पहुँचती है। उस महान पथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग को प्राप्त करते हुए वह यम लोक को जाती हैं। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नाना क्रंदनपुर, सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताढ़ बहुधर्म भीति भवन नामक प्रसिद्ध नगर है। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। वह प्रेत चलते हुए यह करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है, मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है
जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर तपस्या की है और न ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महान पथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और न ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है। अथ जो कुछ नहीं किया है उसका फल में भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रायन व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह यामेपुर पहुँचता है। उस रमणीय नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुँचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहाँ पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महान पथ पर चल। दूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और वहाँ विश्राम करती है। श्रद्धा द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महान पथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है, जहां वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। 3रे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यह भक्षण करके 4थे मास में वह शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहां पर जीव के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वह 4थे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदंतर 6थे मास में प्रेत क्रूर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में 6थे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधी मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहां के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध व पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है। अथ यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है।
इसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि सौयोजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले, तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक नदी पार कराएंगे। किंतु यदि उस मृत्यु लोक में तुम्हारे द्वारा गौ दान दिया गया है, तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गौ दान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को ही गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुख पूर्वक विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है, वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है, उसे निश्चित समय तक महावैतरणी नदी में रहना पड़ता है और वह डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, ना मैंने अग्नि में आहुति दी है, ना भगवान का जप किया, ना तीर्थ में जाकर स्नान किया है और ना भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूत के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। सातवां मास आने पर वह ब्रह्मपद नामक पुर में पहुँचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर आठवें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ आठवें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुप्तभवन में पहुंचकर प्रेत नवे मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। दसवें मास में वह रौद्रपुर जाता है। वहां वह दसवें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक नगर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह ग्यारहवें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघ की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। बारहवें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखद प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ़्यपुर जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहाँ की ठंड से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से दसों दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहाँ से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्ति एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस नगर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जो श्रवण कहलाते हैं। प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं कि मनुष्य जो कहते और करते हैं उन सभी बातों को यह श्रवण देव चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। श्रवण देव दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में भ्रमण करने वाले 8 श्रवण देव हैं और उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं। इनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मृत्यु लोक के अधिकारी के रूप में है। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुगम मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री नारायण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, यह एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है कि श्रवण देवों का यमलोक में क्या कार्य है। इस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं और उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है।
हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस संदेह को नष्ट करें। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्हें एकाकार उस सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं द्वारा की गई स्तुति से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देवों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है, क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं। उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वह आकाश में रहकर उस प्राणी को परस्पर देखते रहते हैं और जब वह प्राण यमराज के सामने उपस्थित होता है तो उसके शुभ शुभ कर्म व पाप और पुण्य का विवरण चित्रगुप्त द्वारा श्रवण देवों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष आकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। हे पक्षीराज गरुड़, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं, वे धर्म मार्ग से चलते हैं, अर्थात धन या संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं। ऐसे प्राणी विमान से पर लोक जाते हैं। काम यानी जो प्राणी दुखियों की सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवत प्रेमी होते हैं, वे हंस युक्त विमान से पर लोगों को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म को नहीं मानता और पापी व्यक्ति होता है, वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असिपत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जलपात्र के द्वारा मेरे सहित जो इन श्रवण देवों की पूजा करता है, उसको मैं वर प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है और उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मप्रायण मनुष्य मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जब जीवात्मा को बहुधर्म भीतिभुवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है, फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और कैसी जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहें। श्री भगवान कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर बजर का बना हुआ है और जो अत्यंत दिव्य है, देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है और उसमें चार द्वार तथा 7 दीवारी हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ ही इस नगर में निवास करते हैं। यमलोक का विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार यानी फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत व दिव्य नगरी का विस्तार किया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब ओर सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहाँ न तो अधिक ठंड है
और न ही अधिक गर्मी। वहाँ का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वहाँ 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं, जो धर्म ज्ञान धर्मशील धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्यकारियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुरी के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है। यहाँ वह प्रेत एक हाथ मात्र के शरीर को त्याग कर अंगुष्ठ मात्र वाला वायु रूप धारण करता है। वायु रूप होकर भूख से पीड़ित वह जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्त के भवन की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताखाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाने बजाने व गीत आदि की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की आयु की गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उन्हें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्मों को लिखते हैं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है, दक्षिण की ओर शूल मकड़ी और विस्फोट यानी छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है, तथा पश्चिम की ओर अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है, उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का, ईशान कोण में सिर की पीड़ा और अग्निकोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि से चित्रगुप्त का भवन स्थान घिरा हुआ है। हे गरुड़, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। यमराज के भवन के द्वार पर रात दिन यमदूत उपस्थित रहते हैं। प्राणी के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह निर्धारित किया जाता है कि इसे किस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं यमदूत उन्हें यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। यमदूतों के महापास से बंधे पापी और नीच व्यक्ति को धारदार कोड़ों से मारा जाता है। वहाँ नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से पीड़ा दी जाती है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बाल द्वारा पटक कर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्मों के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गर्म गुड़ और कुछ को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्दयी यमदूतों से बार बार क्षमादान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। इसके अतिरिक्त हे खगेश, जो सौम्य व सुकृतिवान व्यक्ति होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है, इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहाँ सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। पुण्यकारी व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर धर्मराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान से बोले, हे प्रभु, आपने मुझे यममार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया एवं यमपुरी का विस्तार भी आपने मुझे भली भांति बताया। हे भगवान, अब आप मुझे बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों हैं और क्या ये 4ों द्वार एक जैसे हैं या उनमें किसी तरह का भेद है, तो कृपया आप मेरे इस शंका को नष्ट करें। भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, आपके प्रश्न बहुत उत्तम है। यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अब तुम इनके उत्तर सुनो। यमपुरी में कुल 4 द्वार हैं और पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण इन सभी 4ों द्वारों की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं।
सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूँ। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। उस शहर में लहराती हुई सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहाँ गंधर्वों और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, ऋषियों, योगियों, गंधर्वों, सिद्ध मुनिजन व्यक्तियों और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार, इस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वह वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगलगान तथा ऋग्वेद आदि के उच्चारण वहाँ होते रहते हैं। वहाँ महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। उस द्वार से उन्हें पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है। जो धर्म व और सत्यवादी हैं, वे जिन्होंने गर्मी में दूसरों को जल पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके हारे हुए मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता यानी दान देने वाले गुरु और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे उत्तर द्वार से ही प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्न से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहाँ सीढ़ियाँ बनी है। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ ढोल, मृदंग और शंख आदि यंत्रों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा कालिंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी, मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गौओं की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हारे समक्ष ब्रह्मपुरी के सबसे पीड़ाजनक व विकराल द्वार का वर्णन कर रहा हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो। यमपुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक है। वह संपूर्ण जीवों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे नखों वाले सिंह, सांप, बिच्छू, वज्रमूर्ख, कीट, व्याघ्र, रीछ, सिंह, भेड़िए, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गिद्ध उपस्थित रहते हैं। उनके मुख से आग की लपटें निकला करती हैं, जो सदा सबका अनहित करने वाले पापी आत्मा हैं। उन्हीं का उस मार्ग से यमपुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौ, बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करवाते या करते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों की व्यवस्था देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या को बेचते, अभक्ष्य भक्षण करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा और भी अन्य प्रकार के महापापों में संलग्न रहते हैं। वह सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे खगेश, आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए वचनों से तुम्हारे यह संशय नष्ट हो गए होंगे। वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता और विचारों के कारण ही अपने जीवन को स्वर्ग व नर्क में परिवर्तित करता है। वह मनुष्य नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु तक ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी है, और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।